काशी के देव दीपावली को लेकर देश भर में तमाम तरीके की कहानियां हैं। यूं तो देव दीपावली का आयोजन पूरी दुनिया के लिए बेहद खास आयोजन होता है, लेकिन वाराणसी के एक मुस्लिम परिवार के लिए भी देव दीपावली का मौका एक खास तरीके के अनुभव का मौका होता है। ये परिवार है वाराणसी के मोहम्मद शमशाद का। शमशाद बीती 3 पीढ़ियों से देव दीपावली के लिए तमाम तरीके की तैयारियां करते हैं। वाराणसी की जिस देव दीपावली में गंगा आरती को देखने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, उस देव दीपावली के लिए सारे बर्तनों को तैयार करने का जिम्मा मोहम्मद शमशाद के पास होता है। 80 घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की ओर से की जाने वाली आरती के लिए शमशाद सारे बर्तनों को तैयार करते हैं। गंगा पूजन की सामग्रियों के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस दीपदान में सैकड़ों दीपों से माँ गंगा की आरती होती है, शमशाद इन्हें साफ सफाई के बाद तैयार करते हैं, जिससे कि माँ गंगा की आराधना को एक सुंदर रूप मिल सके। काशी के लोग हमेशा ऐसी ही तहजीब के साक्षी रहे हैं। शमशाद कहते हैं कि ये काम उनके परिवार की 3 पीढ़ियों का है। शमशाद ये भी कहते हैं कि गंगा ने सभी को जीवन दिया है, इसमें धर्म, जाति, पंथ या मान्यता की बाधा नहीं है। गंगा सबके लिए जीवनदायिनी है, काशी सबके लिए पूजनीय, वाराणसी सबके लिए अपना शहर। यह हम लोग बहुत सालों से करते आते हैं, कहीं आस्था छिपी रहती है, गंगा जमुना तहजीब है, ये चल रही हम लोगों की शुरू से ही हम लोग आते रहते, जब तक माँ गंगा बुलाएंगी यहाँ हम लोग अपना काम आके करते रहेंगे। लगभग पिछले कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? हमारे सामने तो कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल हो गया हम लोगों को, और फिर इसके बाद अब देखिए आगे चलता रहेगा ऐसे ही काम। कितना सुकून मिलता है माँ गंगा की महाआरती? बढ़िया लगता है, अच्छी बात है भाई। बहुत से लाखों करोड़ों दर्शक आते हैं यहाँ अपने दूर दूर से आस्था लेके, उसी पर अपना काम चलता रहता है। हम लोगों को भी कुछ है इसमें, इसी वजह से बुलाती हैं बार बार, हम लोग चलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काशी में कोई भी उत्सव हो या महोत्सव हो या कोई पूजा पाठ हो, बगैर हमारे मुस्लिम भाइयों से अधूरा रहता है। आपको पता होगा माँ का चुनर भी जो चढ़ता है, तो उसकी भी सिलाई कढ़ाई ज़्यादातर हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से ही होता है। और जैसा कि महाआरती की बात चलती है, तो हमारे यहाँ जो साल में महापर्वों में जो महाआरतियाँ होती हैं, तो उनको पॉलिश करके एकदम नया स्वरूप भी हमारे मुस्लिम बंधु भाई देते हैं। तो हम काशी में इसको गंगा जमुनी तहजीब भी कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से काम जो है उन्हीं के द्वारा होता है, आरती का मरम्मत वगैरह भी उन्हीं समुदाय के लोगों से हम कराते हैं। तो ये हमारी एक परंपरा चली आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं शमशादी, इनके पिताजी के ज़माने से मैं उन्हीं से ही पॉलिश करा रहा हूँ, और चमर वगैरह इत्यादि का भी बनवाना हुआ या कोई भी कारीगरी का काम हुआ तो हम लोग उन्हीं से कराते हैं, और उनकी भी एक सहयोगिता होती है इन महोत्सवों में, अपने कारीगरी और हुनर के द्वारा वो इन चीज़ों को करते हैं और भव्यता प्रदान करते हैं। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में शमशाद इसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं। जो घाट दीपों की मालिकाओं से सजे हैं, वो ऐसी भावनाओं से भी सजते हैं। शमशाद से लेकर शिवशंकर तक काशी में सब एक साथ रहते हैं। एक भावना से, एक भाव से, एक संस्कार से, काशीवासी होने के गर्व से और देव दीपावली जैसे आयोजन से काशी इसी तरह से शाश्वत रहती है। वाराणसी से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए अभिषेक झा की रिपोर्ट।